कटनी के मुरदारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में यात्री अशोक साहू पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। उसे समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। वही जीआरपी थाना प्रभारी अरुण वाहने ने बताया कि मुरवारा स्टॉप के द्वारा बताया गया कि घायल व्यक्ति शराब पिया हुआ लग रहा था। मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। कटिंग से जाहिर हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरे के जब स्टेशन में रेलवे लाइन के पट्टी के वो जो ऊपर पट्टी रहती है वहीं पर बैठा था, किसी ने आया मेरे बीच में गार मारा और पटरी में उसे। कौन है देखे हैं आप? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन है कौन नहीं है। बाकी दो दिन पूर्व शनिवार को जिससे मेरी बात हुई थी, मतलब उनके ऊपर एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट दर्ज किया था, वो गुल्लू विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा और बंटी बंटी विश्वकर्मा और एक और है मुक्ति। क्या कर रहे हैं लोग? धमकी दिए थे कि तुम कहीं भी चले जाओ, अगर तुम रिपोर्ट वापस नहीं लेते हो। प्लस जिसने मारा था मेरे को सर, वो भी ये बोले थे कि अगर तुम रिपोर्ट वापस नहीं लेते तो तुमको यहाँ जान से ही मार देंगे। हॉस्पिटल से तहरीर आई है, तहरीर की जांच के लिए मैं जिला चिकित्सालय आई हूँ। घायल जो है अशोक साहू जिंदगी थाना पुतला का निवासी है। तो प्रथम दृष्टया उनसे पूछताछ पे उन्होंने बताया कि उसके साथ में स्टेशन में मारपीट की घटना की गई। ये अभी जांच का सब्जेक्ट है, क्योंकि समर में हमारे जो स्टाफ थे मुरवारा स्टाफ और आर्मी स्टाफ से भी पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि घायल बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था। वो जो घटना बता रहे हैं सिक्योरिटी में, प्लस ये जांच का सब्जेक्ट है कि घायल क्या घटना घटी है।